हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं राजमा मसाला बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने ये 6 से 7 घंटे के लिए भिगा दिया था राजमा। तो राजमा दाल की वीडियो मेरी पहले से ही रेडी हुई है, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज मैं राजमा मसाला बनाने वाली हूँ। तो देखिए, ये अच्छे से फूल गया है। तो जब भी आप इसे बनाएँ तो 6 से 7 घंटे के लिए भिगा दें। तो अब मैंने इसे कुकर में कर लिया है और ये पानी लगा दिया है उबालने के लिए। तो इसमें मैं सोडा डालूंगी, खाने वाला थोड़ा सा। तो कुछ नहीं डालूंगी उबालने के लिए, रख दूंगी बस सोडा डालकर। इसे हम उबलने रख देते हैं। तो देखिए, ढक्कन लगा दिया है। अब इसे मैं 2 से 3 सीटी लगाऊंगी, फिर गैस को थोड़ा सा हल्का कर दूंगी। तो ये उबल जाएंगे। तो जब तक राजमा उबल रहा है, ये मैं देखिए, ये मैंने ये टमाटर ले लिए हैं और ये 4 से 5 हरी मिर्च ले ली है और एक प्याज ले लिया है। तो इन्हें तो मैं पीस लेती हूँ और इन्हें प्याज को मैं कट करके डालूंगी। और इसके साथ में अगर आप लहसुन अदरक पीसना चाहते हैं तो पीस लें। मैं यहाँ पेस्ट डालूंगी उसका, तो मैं नहीं पीस रही हूँ। तो हम इसे कट कर लेते हैं छोटे टुकड़ों में और इन्हें पीस लेते हैं, बारीक पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें 3-4 सीटी आ गई हैं और इसकी मैंने सीटी निकाल दी है। अब देख लेते हैं कि ये उबल गए हैं या नहीं। तो देखिए, ये अच्छे से उबल गए हैं। तो इतने ही गले हुए चाहिए हमें, और पानी को हमें फेंकना नहीं है, ये पानी हम उसमें डालेंगे। तो इसे हम इसी में रहने देते हैं। तो देखिए, कढ़ाई को हमने कर लिया है गरम। इसमें हम डालेंगे बटर, आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं। तो इसको हम गरम होने देते हैं और फिर इसमें हम डाल देंगे जीरा। साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। तो देखिए, हमने जीरा डालने के बाद ये जो प्याज कट करी थी वो डाल देते हैं। इसे हम भून लेते हैं ब्राउन होने तक। तो प्याज हल्की हल्की ब्राउन होने लगी है। आप चाहें तो इसे देसी घी में बना सकते हैं। तो इसे और हमें ब्राउन करना है। तो ये देखिए, प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है। तो इसमें मैंने ये जो हरी मिर्च और टमाटो पीसे थे वो डाल देती हूँ। इसे मैं 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। हमने पीसा नहीं था साथ में, अगर हम चाहें तो उसके टमाटो के साथ में हम पीस सकते हैं। ये देखिए, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। तो अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। तो ये मैंने मसाले लिए हैं। ये धनिया लिया है 1.5 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी थोड़ी सी और गरम मसाला। तो ये मैं घर के मसालों से ही बना रही हूँ, बाजार का मसाला नहीं डालूंगी। तो इन मसालों को हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो देखिए, मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल अलग हो गया है। इसे अच्छे से भून देना है, इसे ही तेल इसे अलग होता है। अब इसमें हम राजमा डाल देते हैं। तो हमने ये पानी निकाला नहीं था, इसके साथ ही डालेंगे।
से इसे चला देते हैं। तो इसे अब हम हल्की गैस करके कुछ देर पकने देते हैं, गैस को हल्का कर देते हैं। तो देखिए एक दो मिनट हो गया इस और इसमें हमने पानी वही डाला था जो उसके साथ में था, अलग से नहीं डाला और हमें ऐसा ही चाहिए। तो इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं और फिर दो मिनट के लिए ढक देते हैं। तो इसे इस तरीके से चलाने के बाद, धनिया डालने के बाद भी हम एक मिनट इसे पकने देते हैं। देते हैं और हल्की गैस पर एक दो मिनट और पकने देते हैं। तो देखिए धनिया डालने के बाद एक दो मिनट हमने इसे पका लिया है, तो अभी पक गया है। गैस को हम कर देते हैं बंद, तो इसे हम निकाल लेते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इस तरीके से बनाइएगा, ये चावल के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है और चपाती के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो देखिए इसे हम गार्निश कर देते हैं। तो गार्निश करने के लिए हमने ये दो हरी मिर्ची ले ली और प्याज और नींबू, ये इसके साथ आप खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो राजमा मसाले की वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, पहली बार चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगी सबसे पहले आपको मिले।